आज का ये प्लान है, आज हम जा रहे हैं रियाद बॉलीवुड। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज है न्यू ईयर नाइट, तो हमारा न्यू ईयर नाइट का आज का ये प्लान है, आज हम जा रहे हैं रियाद बॉलीवुड, जहाँ पे रियाद बॉलीवुड ने वर्ल्ड बनाए हुए हैं बहुत सारे, 7 या 8 वर्ल्ड हैं जो उन्होंने वहाँ पर डेवलप किए गए हैं। जैसे स्पेन है तो स्पेन एक अलग से बना हुआ है, और अगर आपका पेरिस है तो पेरिस अलग से बना हुआ है, इजिप्ट है तो इजिप्ट अलग से बना हुआ है। काफ़ी बड़ा इन वो क्या बोलते हैं एरिया है वहाँ पे। वहाँ पे लोगों ने एक एक कंट्रीज डेवलप की गई हैं वहाँ पे आवाम को दिखाने के लिए कि ये स्पेन ऐसा है, इजिप्ट ऐसा है, चाइना ऐसा है। उसके जो जो मतलब जो जो भी क्या बोलते हैं जो वहाँ की फेमस थिंग जो है ना उसको वहाँ पर रखा गया है कि ये ऐसा है, ये कंट्री ऐसी है, कंट्री वैसी है। तो चलते हैं, न्यू ईयर भी हम वहीं बनाएंगे, अगर फायर वर्क हुए तो वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह ताला, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बता देंगे कि वीडियो सही है कि नहीं है। लाफिस, वहाँ पर मिलते हैं आपसे। अभी हम करते हैं अपने कपड़े चेंज, क्योंकि इस कपड़े में तो जाने से रहे ही नहीं हम लोग, चेंज करते हैं, आपसे मिलते हैं वहाँ पर। ओके, हम हो गए हैं रेडी और अब हम निकल रहे हैं, 7 बजने वाले हैं, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो चलते हैं और आपसे वहाँ पे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कहीं भी इवेंट लगता है तो यहाँ सबसे बड़ा जो इशू होता है वो होता है पार्किंग का। 1 घंटे में बाद पार्किंग मिली है हम लोग को, और अभी हम लोग अंदर आए हैं और अभी जा रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक होगा vbook.com से, और पैसे भी वहीं पे होंगे जब आप जब अपना टिकट बुक करेंगे तो वहाँ पे एप्पल पे का ऑप्शन आता है, आप उससे अपने पैसे पे कर सकते हैं। यहाँ चेकिंग होगी आपकी, thank you।
इस वक्त मैं जो घूम रहा हूँ वो मैं हूँ इजिप्ट के अंदर। पहले मैं सऊदी में था, अब मैं इजिप्ट में आ गया हूँ। यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे इजिप्ट में जो जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हैं, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, और लोग अपने जो है यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं अपने। ये देख, ये मैंने जो आप लोग को अभी दिखाया है, इसका जो टूर कराया है, ये था इजिप्ट। इजिप्ट के बाद अभी हम जा रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर। इजिप्ट के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं बाहर परेशान हो गया क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे थे। अब मैं जाऊं किधर मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले हम रियाद में थे, उसके बाद हम इजिप्ट गए। इजिप्ट के बाद हम आ गए हैं अब इंडिया। तो इंडिया में हम जैसे ही आए तो सामने मुझे दिखा ताजमहल। ताजमहल को देख के शाहजहाँ की याद आ गई। खैर, मैं तो शाहजहाँ को जानता नहीं हूँ, बस नाम सुना है पर्सनली। के बाद हमने अपना रुख किया मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ जैसे इंडिया में बिकता है वो भी सब यहीं बिक रहा था। इंडिया का मशहूर रेस्टोरेंट बंदू खान, जो कि मैंने ट्राई नहीं किया। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँचे स्टॉल पे, जहाँ पे ये लोग मसाले बेच रहे थे अपने। अल्लाह जाने कौन से मसाले थे, ये हमने नहीं ली क्योंकि हम नहीं ट्राई करते बाहर से ओपन मसाले को। मैं तो वैसे पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानियों को इंडिया वीज़ा बहुत कम मिलता है, लेकिन जब रियाद से आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो आप सुकून से आ सकते हैं यहाँ। सब बात तो ठीक है, जब आपने इसको इंडियन कल्चर दिया है तो आपने इसको इंडिया में क्यों नहीं बोला कि भाई हिंदी में बात कर दो। इंडिया में अरबी को देख के मैं थोड़ा चौंक गया। उसके बाद ढोल की आवाज़ आई, जैसी मेरे अंदर का नागिन डांस उठ गया। मैं ढोल देखने गया तो यहाँ पे ढोल बजा रहे थे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सब लोग ढोल कैसे उठे, गौर से क्यों देख रहे थे, क्या किसी ने आज तक नहीं देखा कि ढोल कैसे बजता है। खैर, ढोल देखते देखते एग्जिट का रास्ता आ गया तो हमने कहा चलो भाई इंडिया छोड़ के कहीं और चलते हैं। फिर हम इंडिया से जैसे ही बाहर निकले तो यहाँ पे आ गया बच्चों का सेक्शन। यहाँ पे सब कुछ था बच्चों का, बस बच्चा नहीं था मेरा। मैं परेशान हो गया कि आवाज़ें कहाँ से आ रही, चिल्लाने की। देखा लोग झूला झूल लेते भाई। लड़कियों की एक बात मुझे समझ नहीं आती, जब इतना डर आपको लग रहा था तो किसने बोला था आपको आप जाके झूले पे बैठो? मैंने तो नहीं बोला था। हाँ तो भाई, उसके बाद हम आए बेनवेंडियोस। बेनवेंडियोस एक स्पेनिश वर्ड है, इसके लफ्जी मायने उर्दू और हिंदी में कहते हैं वेलकम। जब कोई दुनिया में आता है तो ये लोग स्पेनिश में उसको बोलते हैं बेनवेंडियोस, इट्स मीन वेलकम। ये वो जगह थी जहाँ पे ये लोग ने आर्ट वर्क, जस्ट लाइक अ थिएटर, सिनेमा शोज़ वगैरह जो होते हैं स्पेनिश स्पेन कंट्री में, ये वो उस टाइप का कल्चर ये लोग ने बनाया होता। ज़्यादातर यहाँ शो वगैरह हो रहे थे, जैसे हॉरर थीम होता है कोई एक, वो दिया होता है जैसे स्पेन वगैरह में होता है। देखते एक हमें फिर आगे जाके भूत दिख गया। भूत नहीं था ये, जस्ट लाइक उसमें एक थीम बनाया हुआ था, अपना एक गेटअप किया होता। ये हम आ गए हैं स्पेन के अंदर। खैर, मैं जैसे ही आया ऐसे शो बंद कर दिया, या तो मेरी शक्ल ख़राब है या तो वहाँ की शक्ल ख़राब है, दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। खैर, मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा स्पेन की गलियाँ चेक करते हैं, वहीं ऊपर से उतर रही हैं नीचे जा रही हैं। आगे बढ़ते बढ़ते स्पेन का मशहूर फूड देखा मुझे, क्रीमी रोल, जो बहुत मज़े से बना रहा था। मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं और ये हम ट्राई भी करते हैं। हमने बोला भाई आपकी वीडियो बना। स्पेन आए आप और ये ना खाएं तो फिर आप असली स्पेन नहीं आए। खैर भाई, हम उसी रोड पे आ गए जो बिल्कुल झूले की तरह बनी हुई है। ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो एक ही रोड लगता है, ना आप चढ़ रहे हो ना उतर रहे हो। खैर, आगे गए तो किचन की दुकान दिखी। मुझे समझ नहीं आता स्पेन के अंदर जाते ही हर जगह किचन की दुकान क्यों थी। वहाँ स्पेन में क्या हर जगह किचन से खेलते हैं? स्पेन के बाद आए हम जापान के अंदर। मैं जैसे ही वीडियो बना रहा था, जापानी आंटी मेरे भागते हुए ऐसे टकराने वाली थी, बस
इतनी तरक्की की है चाइना ने, कितना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। भाई थक गए हैं, एक एक घंटे में हम लोग सिर्फ कंट्री बदल रहे हैं अपनी। जापान के बाद हम जा रहे हैं यूएसए। जी यूएसए जा रहे हैं, सही सुना आपने, बाय वॉक।
फायरवर्क होता है तो आपको दिखाते हैं, वरना तो ये वीडियो, ये ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी हम आ गए हैं घर, क्योंकि बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। इतना चले कि हमारे पैर में हो गया दर्द। तो आ गया हूँ घर, ब्लॉग को करते हैं एंड। फायरवर्क नहीं हुए क्योंकि मना कर दिया था सऊदी अरब में कि नो फायरवर्क। दुबई का पता नहीं, दुबई में शायद हुए होंगे, पर सऊदी में मना किया था। लेकिन वीडियो आपको, जो मैंने वीडियो में कंट्रीज़ दिखाई वो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देगा, सब्सक्राइब कर देगा और शेयर कर देगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।